गुजरात समेत पंजाब भर में लॉकडाउन, दुकानें और दफातर बंद। गुजरात समेत पंजाब भर में बाकायदा लॉकडाउन का आगाज हो गया और हर किस्म की मजहबी व समाजी इजमात पर पाबंदी है। तमाम सरकारी व निजी अदारे मुकम्मल बंद है, ताहम बैंक, मेडिकल स्टोर और अशियाई जरूरिया की दुकानें खुली है और शहरी को वहाँ से खरीदारी की इजाजत है। अंदरूनी शहर बैनर अजलाई और बैनर सुबाई ट्रांसपोर्ट भी मुकम्मल बंद है, जबकि डबल सवारी पर पाबंदी आयद है, ताहम सिर्फ फैमिली को इस पाबंदी से इस्तिस्ना है। लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए पुलिस अलर्ट है, शहरों को दुकानों पर नाश्ता करने की इजाजत नहीं, ताहम खाना साथ लेकर जाने की इजाजत है। शहर में सड़कें सुनसान और ट्रैफिक न होने के बराबर है। तमाम शॉपिंग सेंटर और तजारती मराकज बंद है। सूबाई कैबिनेट ने पंजाब कोरोना ऑर्डिनेंस 2020 की मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस के तहत पंजाब में भी किसी भी शख्स की नकलो हरकत को कंट्रोल किया जा सकेगा। किसी भी शहरी को इलाज के घर से तहवील में लेकर घर से सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया जा सकेगा। ऑर्डिनेंस के हुक्म अदूली पर 10,000 रुपए और 50,000 रुपए जुर्माना या 6 माह कैद की सजा होगी। दूसरी जानब जराये के मुताबिक गर्मियों की तफ्तीलात कबल वक्त करने की मंजूरी देते हुए तलीमी अदारे 31 मई तक बंद रखने का फैसला किया गया है। सूबाई कैबिनेट के अजलास में कहा गया है की तलीमी अदारों में आधी फीस ली जाएगी और इसातिज़ा को मुकम्मल तनख्वाहें अदा की जाएंगी। रिपोर्ट मिर्ज़ा खुर्रम हुसैन, वाइस ऑफ गुजरात।